हाय लॉजिकल टॉक फैमिली, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल टॉक में। गैस आज की वीडियो में आपके सामने सन फार्मा कंपनी का प्रोडक्ट लेकर आया हूँ जिसका नाम है प्रोडक्ट 60। यहाँ दूसरे जो प्रोडक्ट 60 कैप्सूल है ये एक टाइप के SSRI ग्रुप की मेडिसिन है, यानी सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर का कैटेगरी की ये मेडिसिन है और ये एक एंटी डिप्रेशेंट मेडिसिन है और इसका इस्तेमाल जनरली डिप्रेशन और अदर मेंटल हेल्थ कंडीशन जैसे कि पैनिक डिसऑर्डर या फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में किया जाता है। और इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट पाया गया है दोस्तों, वे फ्लोक्सेटिन है जिसकी मात्रा इसमें 60 mg मिली हुई है। जनरली इस कैप्सूल को जो लिया जाता है ये पीपल में डिप्रेशन को कंट्रोल करके उनका जो मूड होता है इसको इम्प्रूव करते हैं और एंग्जाइटी और टेंशन को यानी घबराहट और बेचैनी में आराम पहुँचाती है। और ये साथ ही साथ इसका इस्तेमाल ब्यूलीमिया नर्वोसा यानी ईटिंग डिसऑर्डर जो होता है उसको कंट्रोल करता है और बिंज ईटिंग को ये घटाता है, साथ ही साथ पर्चिंग यानी वोमिटिंग को भी घटाता है। अब बात करते हैं कि ये जो दवाई है डिप्रेशन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और पैनिक डिसऑर्डर में काम कैसे करती है। तो ये डिप्रेशन में ये जो प्रोडक्ट 60 कैप्सूल इसका काम होता है, जो केमिकल मैसेंजर सेरोटोनिन हमारे ब्रेन में पाया जाता है ये उसके अमाउंट को बढ़ा देती है जिससे कि जो मूड है वो इम्प्रूव हो जाता है, एंग्जाइटी टेंशन जो है वो कंट्रोल में आ जाती है और पेशेंट आसानी से सो लेता है। इसके कुछ फीवर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं ओल्डर एमडी डिप्रेशन के मुकाबले में। ये जनरली 4 से 6 हफ्ता इस मेडिसिन को लगता है धीरे धीरे ट्रीटमेंट का असर दिखाने में। आप इसको रेगुलर तरीके से लेते रहें तो धीरे धीरे आपकी ये जो भी प्रॉब्लम है उसको पेशेंट की प्रॉब्लम को डिप्रेशन प्रॉब्लम को कंट्रोल कर देती है। और जो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है ये दवा उसमें इस तरह काम करती है कि ये एंग्जाइटी और डिसऑर्डर को कंट्रोल करती है। ये जनरली ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर लोगों को नॉर्मली दिन में एक बार होता है, तो इस दवा को लेने से ये पेशेंट को आराम पहुंचाती है, उनकी एबिलिटी को बेटर बनाती है ताकि वो प्रॉब्लम से लड़ सकें और साथ ही साथ ये आपके मूड को चेंज करती है। और अगर एडिशनल इसमें आप कुछ ऐड करें जैसे कि एक्सरसाइज करें या हेल्दी डाइट खाएं अपने मूड को अच्छा करने के लिए, आप कुछ अलग करें, तो उन सब चीज़ों को मिलाकर भी आपकी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कंट्रोल में आ सकता है। पैनिक डिसऑर्डर में भी इस कैप्सूल को आपको जनरली लेना है तो ये जो पैनिक डिसऑर्डर होता है जैसे पैनिक अटैक वगैरह होता है ये उसको कंट्रोल करता है, साथ ही साथ पेशेंट को काम पहुंचाता है यानी शांति पहुंचाता है, उसकी एबिलिटी को बढ़ाता है, मेंटल फोकस को बढ़ाता है, टेंशन को दूर करता है। तो ओवरऑल ये जो टैबलेट है ये बॉडी में जब जाती है तो दिमाग में जो सेरोटोनिन केमिकल मैसेंजर पाया जाता है उसके लेवल को बढ़ा देता है जिससे कि पेशेंट का मूड इम्प्रूव हो जाता है, उसकी फिज़िकल सिम्टम्स भी इम्प्रूव हो जाते हैं और जो उसको पैनिक अटैक होता है, टेंशन एंग्जाइटी होती है, ये वो सारी घबराहट बेचैनी सबको कंट्रोल करके पेशेंट को राहत पहुंचाता है। इस टैबलेट के इस कैप्सूल के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं जैसे भूख कम लगना, डिप्रेशन होना, मतली उल्टी, पसीना निकलना, वीकनेस होना, और बहुत सारे ऐसे साइड इफ़ेक्ट हैं। ये दवा का जब रेगुलर इस्तेमाल करेंगे दवा जो है वो बॉडी जो दवा को अडॉप्ट कर लेगी तो साइड इफ़ेक्ट भी कम हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई साइड इफ़ेक्ट आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है तो उसके बारे में आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सवाल करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए या सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं जल्दी फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, लॉजिकल टॉक देखते रहें। गुड बाय, टेक केयर।